गाइस टिप वन है ग्रूमिंग बिफोर बाथ। ग्रूमिंग मतलब कंघी करना। हमेशा अपने डॉग को नहलाने से पहले आप उनकी ग्रूमिंग करें, कंघी करें, जिससे कि उनके फर में, उनके कोट में जो भी डस्ट होगा, जो भी कचरा होगा वो निकल जाएगा और जो बालों की नॉट्स लग जाती हैं, गांठें लग जाती हैं, वो भी खुल जाएंगी। इससे एक फ़ायदा होगा कि जब भी आप नेक्स्ट स्टेप में आप अपने डॉग को जब पानी और शैम्पू से रिंस करेंगे तो वो अच्छे से स्किन तक पहुँच पाएगा। तो दो बातों का हमेशा ध्यान रखें, कभी भी अपने डॉग को ग्रूमिंग के टाइम पे डांटे नहीं और हल्के हाथ से ही ग्रूमिंग करें। टिप नंबर टू है रिंस योर डॉग डीपली। मतलब आपको अपने डॉग को अच्छे से भिगोना है, गीला कर देना है। ध्यान रहे कि पानी अच्छे से उनकी स्किन तक चले जाए। ये जो हैवी कोट्स होते हैं डॉग्स के, जो भी लार्ज ब्रीड होती है, उनके ऊपर ऊपर पानी रहता है लेयर पे, अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। तो इस बात का ध्यान रखें, आप बिल्कुल श्योर हो जाएंगे पानी अच्छे से पहुंच पा रहा है। गाइस टिप नंबर थ्री है अप्लाई शैम्पू ऑन योर डॉग्स कोट। जब आपका डॉग अच्छे से रिंस हो जाएगा, अच्छे से गीला हो जाएगा, भीग जाएगा, जब भी आप शैम्पू लगाएं, क्योंकि जब भी अच्छे से उसमें फॉर्म आ पाएगा। और अगर वो नहीं भीग पा रहा है अच्छे से, आपको लगता है कि अभी भी थोड़ा फॉर्म कम आ रहा है, तो हल्का सा उसको पानी डाल दें, जैसे मैं भी डालने वाला हूँ। तो रब करने के बाद हल्का सा पानी डाल के और रब करें, जैसे कि फॉर्म ज़्यादा आ जाएगा। एक नोट देना चाहूँगा आप लोगों को मैं, कि जब भी आप शैम्पू लगाएं तो अच्छे से रब करें और ध्यान रखिए अच्छे से उस पर फॉर्म आ जाए। और उसके बाद आपको अपने डॉग को 10 मिनट्स तक, कम से कम 10 मिनट्स तक छोड़ देना है उसी कंडीशन में। शैम्पू उनके कोट पे लगा रहना ही चाहिए। गाइस टिप नंबर 4 है वॉश एंड रिमूव शैम्पू फ्रॉम योर डॉग स्किन प्रॉपरली। प्रॉपरली क्यों बोला? अगर शैम्पू आपके डॉग की स्किन के अंदर रह जाएगा तो उन्हें रैशेज हो जाएंगे, डैंड्रफ हो जाएगा। शैम्पू से डैंड्रफ हो जाएगा, हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर हद से ज़्यादा शैम्पू आपके डॉग की स्किन पे रहेगा तो वो साइड इफेक्ट जरूर करेगा। इसलिए मैंने कहा था कि 10 मिनट्स रहने दें, जिससे कि उसकी प्रॉपर्टीज जो भी हैं वो अच्छे से उनके फर में चले जाएं और जो डैंड्रफ में जो भी टिक्स हैं वो बाहर आ जाएं, मर डेड हो जाएं। और हाँ, हो सके तो किसी की हेल्प ले लें, क्योंकि हमें अपने डॉग के बॉडी से शैम्पू अच्छे से निकालना है, तो किसी की हेल्प ले लोगे तो अच्छा। टिप 5 ड्राई अप योर डॉग्स फर एंड स्किन प्रॉपरली। डॉग्स की स्किन को अच्छे से साफ इसलिए करना चाहिए, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में कहा, अगर आपके डॉग के फर में मॉइस्चर रह जाएगा, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश हो, तो उन्हें रैशेस हो ही जाएंगे, डैंड्रफ भी हो जाएगा अगर उनके फर में थोड़ा भी मॉइस्चर रहा। तो अगर आपके डॉग का कोट ज़्यादा ही हैवी है तो आप हेयर ड्रायर भी यूज़ कर सकते हो और टॉवल तो करना ही करना है। जैसे मैंने अपनी टिप फर्स्ट में कहा था कि ग्रूम योर डॉग बिफोर द बाथ, आफ्टर द बाथ भी करना है आपको, जैसे कि बाल और खुल जाएंगे और सिल्की हो जाएंगे आपके डॉग के। सो जैसे आपको लगे कि आपका डॉग का फर एकदम ड्राई हो चुका है, सूख चुका है वो, उसके बाद उनको ग्रूम कर दें, हल्के हाथ से, डांटना नहीं है, याद रहे। गाइज ये बोनस टिप है और मैंने इसमें आपको अपने डॉग के साथ खेलने के लिए इसलिए बोला है, क्योंकि जब भी आप उनको नहलाते हो तो आपके डॉग को लगता है कि वो उस पर जुल्म हो रहा है, इसलिए वो थोड़ा नाटक करते हैं, उनको थोड़ा डर हो जाता है नहाने से। तो अगर आप नहाने के बाद उनके साथ खेलोगे, अच्छे से मस्ती करोगे 5-10 मिनट 10-15 मिनट, तो जब आप नेक्स्ट टाइम उनको जब भी बात दोगे तो उनके मन में ये रहेगा कि अब जल्दी से नहा लेता हूँ और नहाने के बाद मुझे खेलना भी है, तो इतना नाटक नहीं करेंगे और आपकी बात आसानी से मानेंगे।